नमः शिवाय। भाद्रपद मास बुधवार कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि पूरे दिन और रात्रि 9:40 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पूरे दिन शाम 6:55 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर गौर वर्ण वाले, शारीरिक रूप से बलवान, सात्विक, धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाले, दृढ़ चरित्र वाले, धर्मनिरपेक्ष, समाज के प्रेमी, सोच विचार कर कार्य करने वाले, विद्या प्रेमी और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। प्रत्येक जातकों के ऊपर शनि के नक्षत्र का शाम तक प्रभाव बना रहेगा। तत्पश्चात चंद्रमा के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद बुध के नक्षत्र का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। अतः आज दिन भर की स्थिति में पूरे दिन शनि और बुध के नक्षत्रों के प्रभाव का मिला जुला असर कायम रहेगा। मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। कार्य योजनाओं के विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी कामकाज से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कामकाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रगति के अवसर मिलेंगे और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में सुधार और पारिवारिक माहौल में हर्ष की स्थिति बनी रहेगी। मगर दोपहर के बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का संकेत देता है। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों के अंतर्ज्ञान का विकास होगा। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और नवीन विषयों के सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा। कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। अपने निजी संसाधनों और संतान संबंधी दायित्व पर खर्च का संकेत भी मिलता है। शाम तक आपके प्रयासों और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार और निजी निवेश लाभदायक रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में चलना अधूरे और रुके हुए कामों को संपन्न कराने में सहयोग के साथ साथ व्यावसायिक सुदृढ़ता का संकेत देता है। कार्य क्षमता में वृद्धि और मानसिक स्तर पर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और शाम के बाद सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के दिन भर चलने वाला शनि के नक्षत्र का फल कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चोट चपेट का संकेत देता है और विभागीय मामलों में सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी। मगर बुध के नक्षत्र के फल से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अतिरिक्त लाभ के नए रास्ते दिखाई पड़ेंगे। निजी रिश्तों में तनाव संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों के मन में नकारात्मक विचारों का प्रवाह जारी रहेगा और चोट लगने का अंदेशा बनता है, मगर कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और विकास का मौका मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में रुचि बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट या विवाद का संकेत भी मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी बरतें और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें।
कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल बनी रहेगी और कार्य योजनाओं के नए मार्गों का विकास होगा। आपका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति हर काम को सरल बनाने में सक्षम होंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए प्रबल आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास के नए मार्ग मिलेंगे। चंद्रमा का छठवें होना आपसी सहयोग और उत्थान और प्रतियोगी भावना का संकेत देता है, मगर कुछ मामलों में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मगर आर्थिक लाभ के अवसर मिलते जाएंगे। पारिवारिक प्रेरणा का लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। क्रियाशीलता बनी रहेगी, मन मुताबिक काम होते जाएंगे। आपके सहयोगी ग्रहों की शुभता जारी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, मगर परिश्रम की प्रवृत्ति बनाए रखें। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। साझेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों को मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे और मातृपक्ष से सहयोग कायम रहेगा। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे और साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आय संबंधी संसाधनों में वृद्धि होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि के जातकों को लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है और निजी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा और हर काम में अनुशासनशीलता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति काम करेगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और नए अनुभव के साथ नए प्रस्तावों को लागू करने में सफल रहेंगे। भाग्यवश काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक माहौल खुशनुमा महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों की रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ आर्थिक लाभ बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। वाहन जमीन इत्यादि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसाय संबंधी मामलों में यात्रा का योग बनता है, मगर व्यवसाय और कार्य योजनाओं में अचानक बाधा या विवाद संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद और विरोधियों की साजिश से बचें। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सहयोग बना रहेगा और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, मगर अचानक आर्थिक लाभ के साथ साथ अपव्यय और आर्थिक हानि भी संभव है। हालांकि शाम के बाद रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक रहेगी, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।